अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आपका पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने एथिक्स के लेक्चर। हमने अपने एथिक्स के लेक्चर में अब तक देख चुके हैं कि एथिक्स के डेफिनेशन हमने अच्छे से देख लिए। उसके बाद हमने देखा एथिक्स में कौन कौन सी नॉर्मेटिव थ्योरीज हैं। नॉर्मेटिव थ्योरीज में हमने देखा था वर्चुअल एथिक्स, डीओंटोलॉजी, टीलियोलॉजी, कॉन्ट्रैक्टेरियंस एंड डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम। उसके बाद हमने देखा था कि हम नॉर्मेटिव थ्योरीज को एक्सपैंड करके देख रहे थे दैट वर्चुअल एथिक्स में कौन कौन सा फिलोसोफर है, जिसमें से कि हमने पहले देखा था कि वर्चुअल एथिक्स होती क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि सोक्रेटिस के वर्चुअल एथिक्स की फिलोसफी क्या है। आज हम देखेंगे प्लेटो के वर्चुअल एथिक्स की फिलोसफी क्या है, और फिर अगले लेक्चर में हम फोकस करेंगे अपना एरिस्टोटल के वर्चुअल एथिक्स पे। ऑल्दो एक बेसिक सा डेफिनेशन और एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन में एरिस्टोटल के वर्चुअल एथिक्स का आज ही दे दूंगा, बट हमारा मेन फोकस आज का होगा प्लेटो। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेक्चर को। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने प्रिपरेशन को एक स्टेप अप ले जाना चाहते हैं तो प्रयागराज में हमारे सेंटर्स खुल रहे हैं, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं ऑफलाइन बैचेज के लिए। 2025-26 के लिए जीएस फाउंडेशन बैच चालू हो गया और दिसंबर 15 से ये बैचेज चालू होंगे। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर जिस पर आप जानकारी अधिक ले सकते हैं अगर आपको कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो। और पहले 100 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिलेगा। 30 नवंबर के पहले आप इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे कि आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और उन क्वेरीज पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। उसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक में आप वीडियोज़ और नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी ऑनलाइन से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं BR10। यहाँ पे आपको जैसे ही ये कोड यूज़ करेंगे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम प्लेटो की फिलॉसफी की और प्लेटो के एथिक्स की, मेनली वर्चू एथिक्स की, व्हाट प्लेटो यूज टू से। सो प्लेटो ने सोक्रेटिस की फिलॉसफी या सोक्रेटिस के एथिक्स जो था, हमने सोक्रेटिस के एथिक्स में देखा था दैट सोक्रेटिस यूज टू टॉक ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। ही यूज टू फोकस ऑन ह्यूमन कैरेक्टर विच कुड बी बिल्ड अपॉन क्रिटिकल थिंकिंग एंड रैशनल। ये हमने देखा था दैट रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे एक ह्यूमन कैरेक्टर जो कि गुड कंडक्ट ऑफ लाइफ की ओर ले जाता है, एथिकल लाइफ की ओर ले जाता है। हमने ये देखा था कि सोक्रेटिस इसको ऐसे बोलता है। एंड ही यूज टू से दैट आपको ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, क्रिटिकल एनालिसिस करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको लिबर्टी और फ्रीडम चाहिए, जिसकी वजह से आपकी वर्चुअस लाइफ बनेगी। नाउ प्लेटो वॉज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस। तो उसने सोक्रेटिस के जो वर्चुअल एथिक्स की फिलॉसफी थी उसी को एडवांस किया। एंड ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश हिज फिलॉसफी बाय एस्टैब्लिशिंग टू प्रिंसिपल्स। प्लेटो ने मतलब ऐसा आप बोल सकते हो कि अपनी वर्चुअल एथिक्स को दो बेस पे डिफाइन किया था। फर्स्ट वाज यूडाइमोनिया एंड सेकेंड वॉज वर्चू। इसको आप अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ये होता है हैप्पीनेस, एंड दिस इसका ग्रीक वर्ड है अरीट। सो ही बेस्ड हिज फिलॉसफी ऑन दीज टू पिलर्स, यूडाइमोनिया एंड अरीट। यूडाइमोनिया मीन्स हैप्पीनेस एंड अरीट मीन्स वर्चुअस। नाउ हैप्पीनेस उसके हिसाब से वॉज द मेन एम फॉर एनी पर्सन टू बींग वर्चुअस। Happiness is the main aim of human life. It was the main aim of human life. Although eudaimonia का जो concept है उसको बहुत ही अच्छे से अगर किसी ने explain किया था तो it was Aristotle who wrote his book Eudaimonia itself. तो उसने since Aristotle was the disciple of Plato, तो उसने यूडाइमोनिया के कॉन्सेप्ट को या हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को और ऊपर ले गया था। यूडाइमोनिया और द हैप्पीनेस हियर इज द समम बोनम, द अल्टीमेट गुड, द चीफ गुड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सिंस द फर्स्ट एथिक्स क्लास। दिस कुड बी अचीव्ड। नाउ हाउ द हैप्पीनेस कुड बी अचीव्ड, दिस कुड बी अचीव्ड बाई बिल्डिंग अ गुड कैरेक्टर। अगेन हियर कम्स द ह्यूमन कैरेक्टर, सिंस ही वॉज द डिसाइपल ऑफ सोक्रेटिस ओनली। सो ही यूज टू से दैट कि यूडाइमोनिया का जो कॉन्सेप्ट है दिस कैन बी अचीव्ड बाई बिल्डिंग अ गुड कैरेक्टर।
एक इंसान का गुड कैरेक्टर होगा, एक इंसान वर्चुअस होगा. ही यूज टू से दिस इज द बेस ऑफ हिज एथिक्स, यूडाइमोनिया प्लस वर्चू. सो इफ अ पर्सन इज वर्चुअस, इफ अ पर्सन इज हैविंग अ गुड कैरेक्टर, देन उसकी लाइफ में हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगी. हैप्पीनेस हियर इज द सम्मम बोनम. एथिक्स का मेन एम क्या होता है? सम्मम बोनम पे रीच करना. सो गुड कैरेक्टर इज द बेसिक थिंग फॉर अ वर्चुअस कंडक्ट इन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन. एंड वॉट इज वर्चुअस लाइफ और वॉट इज वर्च्यू अकॉर्डिंग टू प्लेटो इफ यू सी. सो वर्चुअस क्वालिटी कैन बी बिल्ड बाई आइडियलाइजिंग द गुड कंडक्ट्स ऑफ पीपल. इफ यू से हमने देखा था कि एथिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है. नॉर्मेटिव साइंस कहने का मतलब इट इज बेस्ड ऑन सम नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस एंड एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स. और हमने देखा था कि एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं. तो देयर वेयर सम रूल्स जहाँ पे कि पीछे के लोगों ने जो कुछ कंडक्ट किए हुए हैं उनके बेस पे वी कैन मेक द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स और द नॉर्म्स और द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स. सो वर्चुअस क्वालिटी कैन बी वर्चुअस क्वालिटी कैन बी बिल्ड बाई आइडियलाइजिंग द गुड कंडक्ट्स ऑफ पीपल. दैट इज One should try to learn from those people who are considered good in society. Virtuous quality, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, virtuous quality can come from good people who were considered virtuous in the society. So this was the base of the philosophy or the ethics or the virtue ethics of Plato. Now he also gave some principles for becoming virtuous. Uske principles the kuch of becoming virtuous. Now what were those principles? If we say ki what were the principles, to pehla principle tha fairness. हमने अपनी पहली क्लास में भी देखा था दैट देयर आर सम यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, उसमें फेयरनेस, सेल्फलेसनेस ये एक तौर पे आता था. एंड देयर वाज दिस सेकंड करेज. नाउ एरिस्टोटल थ्रू हिज गोल्डन मीन एक्चुअली ट्राई टू इनहेंस दिस पॉइंट मच मोर कि करेज किस लेवल तक होना चाहिए. गोल्डन मीन क्या होगा, वी विल सी व्हाट इज एरिस्टोटल गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. बट अकॉर्डिंग टू प्लेटो the principles of becoming virtuous are fairness and courage. If a person is fair in his life and is courageous, then ethical conduct hona matlab sahi hai, that there will be ethical conducts done by that human and the human conduct will be considered as the good conduct or the virtuous conduct. Now he was of the view that the ideal standard of conduct lies outside the human nature or the personality. For example, इसको ऐसा समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक कि किसी भी अगर फिलोसोफर को, अगर आप किसी भी एथिक्स फिलोसोफर के एथिक्स को समझना चाहते हैं तो अगर आप उसकी फिलोसफी देखें कि उसकी फिलोसफी क्या है, उस बेस पे आप सब कुछ समझ सकते हैं. तो ही यूज टू टॉक अबाउट दिस थिंग दैट देयर आर टू वर्ल्ड्स, देयर इज दिस एम्पिरिकल वर्ल्ड एंड देयर इज दिस ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड. दिस इज कॉल्ड एज थियोरी ऑफ Divided line of Plato. Now, इससे वो क्या समझाना चाहता था? He used to say that, for example, if there is this table in this empirical world, so this table is not the perfect picture of the table. Not the perfect picture of table. For example, if there is this human being in this world, then this human being is not the perfect picture of the human being in this world. Then what is the perfect picture? So उसने कहा कि there is this transcendental world जहाँ पे कि universal ideas रहती हैं. Universal ideas कहने का मतलब, if there is a table here, then there is a tableness here. Now what is this tableness? So he explained it through this. कि आप समझो कि अगर आपको कुछ टेबल बनानी है, मान लो एक चेयर बनानी है आपको या फिर एक टेबल बनानी है आपको, तो इसके लिए रियल वर्ल्ड का एग्जांपल अगर ले हम, तो इसके लिए एक मोल्ड लगता है. आप एक सांचा बनाएंगे, उस सांचे में आप मटेरियल डालेंगे और उस सांचे में मटेरियल ढल के देन इट विल क्रिएट अ टेबल. बट देयर आर सम मिस्टेक्स ऑलवेज. तो होता क्या है कि ये जो कॉपी बनती है, उस मोल्ड की कॉपी जो बनती है, वो हमेशा थोड़ी सी इम्परफेक्ट होती है जितना परफेक्ट सांचा होता है.
सो ही यूज टू से दैट देर इज अ टेबलनेस. टेबलनेस मीन्स परफेक्ट पिक्चर ऑफ टेबल. उससे परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता. एंड इट लाइज इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड. एंड द होल एम्पिरिकल वर्ल्ड इज अ कॉपी ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड. ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सल आइडियाज है. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन है तो ह्यूमननेस है, टेबल है तो टेबलनेस है, ट्री है तो ट्रीनेस है. हर चीज जो इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में, एम्पिरिकल वर्ल्ड कहने का मतलब जो आप अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, तो इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में जो भी आपको दिख रहा है उसका एक बेटर वर्जन या बेस्ट वर्जन आप बोल सकते हो, एक आइडिया उसका ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है. एंड उससे भी ऊपर बताया था उसने, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में जो सबसे हाईएस्ट आइडिया है दैट इज द आइडिया ऑफ गुड. सो एवरीथिंग इन दिस एम्पिरिकल वर्ल्ड ट्राइज टू रीच द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड एंड मर्ज इन टू द आइडियाज. फॉर एग्जाम्पल, टेबल वॉन्ट्स टू कम बिकम टेबलनेस, ह्यूमन वॉन्ट्स टू बिकम ह्यूमननेस, द परफेक्ट पिक्चर ऑफ ह्यूमन. एंड दीज आइडियाज ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिकम कम एंड मर्ज इन टू द आइडिया ऑफ गुड. तो उसके इस थ्योरी से हम ये देखते हैं दैट वेन ही सेड दैट ह्यूमन कैरेक्टर गुड या बैड, तो जो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज ऑफ द व्यू दैट आइडियल स्टैंडर्ड जो है, आइडियल स्टैंडर्ड अगर हम देखें कि गुड का आइडियल स्टैंडर्ड क्या है, तो वो आइडियल स्टैंडर्ड जो है वो ह्यूमन के अंदर नहीं, ह्यूमन के बाहर है. दैट आइडिया, दैट परफेक्ट पिक्चर ऑफ बींग एथिकल, ये ह्यूमन के अंदर नहीं है, ये ह्यूमन के बाहर है. एंड हाउ कैन यू अचीव दैट? थ्रू फेयरनेस एंड थ्रू करेज. उसकी फिलॉसफी उसके एथिक्स को डिफाइन करेगी. किसी भी फिलोसोफर के एथिक्स को पढ़ना है तो आप उसकी फिलॉसफी को जान लें, तो आप फिर उसके एथिक्स को जान पाएंगे. एंड द पाथ ऑफ वर्चू, यहाँ पे हमने देखा दैट टू गेट टू हैप्पीनेस यू मस्ट बी वर्चुअस. फॉर बींग वर्चुअस यू मस्ट बी फेयर एंड यू मस्ट हैव बीन यू मस्ट हैव टू बी करेजियस एंड देन यू विल रीच टू दी हैप्पीनेस. सो एक तरह से उसके गुड कैरेक्टर और गुड कंडक्ट की डेफिनेशन ये थी, that to reach happiness you must be virtuous and to be virtuous you must be having fairness and courage. और ये जो human standards हैं, जो ideal standards हैं, these ideal standards lies outside the human nature and we have to adopt and act according to those standards to become virtuous. Now उसका एक बहुत ही मतलब अच्छा quote है, मैं यहाँ पर image डालना चाहता था पर डाल नहीं पाया. That if we see, he said, used to say that good people do not need laws. Good people do not need laws. And bad people always find a way through law. Now, यहाँ पे law की बात क्यों आ गई? तो जैसा उसने बताया that for any person to be good and bad, देयर इज एन आइडियल स्टैंडर्ड जो ह्यूमन नेचर के बाहर होता है. सो लॉ को उसने इस तरह से एक्सप्लेन किया दैट लॉ इज दैट आइडियल स्टैंडर्ड दैट हाउ यू शुड लिव इन सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट स्मोक इन पब्लिक. देर इज अ लॉ फॉर दिस दैट यू शुड नॉट स्मोक इन पब्लिक. यू मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक. सो अकॉर्डिंग टू दैट, इफ यू आर एडहेरिंग टू द लॉ, यू विल बी अ गुड पीपल. बट हियर इज सेइंग दैट गुड पीपल डू नॉट नीड लॉज and bad people always find a way through law. अगर आप खुद से अच्छे हैं, अगर आप अपना rational, अपने critical thinking को use कर रहे हैं, then आपको law की जरूरत नहीं है. आपको खुद पता है that to be fair, अगर मैं बाहर smoke करूँगा तो मेरे साथ साथ दूसरों को भी परेशानी होगी and ये एक सही चीज़ नहीं है, तो आप फिर वो चीज़ की जरूरत ही नहीं आपको law की. तो आप उसके लिए good people, और bad people क्या करेंगे? बैड पीपल विल ऑलवेज फाइल अ पिटिशन कि हमारा ये राइट छीना जा रहा है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें करते हैं. नाउ इफ वी से कि अगर हमने अभी तक ये बात करी, ये हैप्पीनेस को वो और कैसे डिफाइन करता है, तो हैप्पीनेस दो टाइप की वो बताएगा आपको. पहली तो हैप्पीनेस एक होती है मटेरियल हैप्पीनेस, इसको हम सरफेस हैप्पीनेस भी कह सकते हैं, और दूसरी होती है इंटरनल हैप्पीनेस. मटेरियल हैप्पीनेस मींस आप इस मटेरियल वर्ल्ड की चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, आप उससे खुश हैं, तो ये उसको मटेरियल हैप्पीनेस बोलता है. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक अच्छी कार है, आपके पास अच्छा घर है, आपके पास मतलब
आपके लाइफ अच्छी चल रही है, आपके बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, आप अच्छी नौकरी पे हैं, दिस इज मटीरियल हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। बट देर इज समथिंग इंटरनल हैप्पीनेस। इंटरनल हैप्पीनेस को वो इनर पीस बोलता है, दिस इज द इनर पीस। ऑल दो आपके पास कार है, घर है, पर आप हमेशा एक टेंशन में रहते हैं कि कल क्या होगा, आज क्या करना है, कल क्या करना है, आप हमेशा एक टेंशन में रहते हैं। यूपीएससी के बच्चे तो 1.5-2 साल तक टेंशन में ही रहते हैं कि पास होंगे नहीं होंगे। बट अकॉर्डिंग टू हिम इट इज इनर पीस। इसको वो स्पिरिचुअल पीस भी बोलता है, सॉरी स्पिरिचुअल पीस भी बोलता है। स्पिरिचुअल पीस कैसे आएगा? जब आप एक गुड कैरेक्टर शो करेंगे, अगर आप गुड कंडक्ट करते हैं, अगर आप एथिकल रहते हैं, तो ये होता है। और स्पिरिचुअल लेवल की पीस ऐसा नहीं है कि आपको मटेरियल चीज़ें दे देंगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वॉज नॉट फ्रॉम ए पुअर फैमिली, बट स्टिल ही डिड नॉट हैव हिज स्पिरिचुअल पीस अनटिल ही स्टार्टेड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसके पहले वो बैरिस्टर बने और लंदन गए, साउथ अफ्रीका गए, वगैरह बहुत सारी चीज़ें करी, बट ही फाउंड हिज स्पिरिचुअल पीस ओनली आफ्टर ही स्टार्टेड इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड ही स्टार्टेड टू सी द इन्वायरमेंट अराउंड हिम। लोगों की दशा देखी उन्होंने एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग वर्क फॉर देम, तो उनको अपनी स्पिरिचुअल पीस मिली। APJ अब्दुल कलाम क्या नहीं था उनके पास, प्रेसिडेंट थे, और मतलब APJ अब्दुल कलाम के पास कुछ भी कमी नहीं थी, बट उनको स्पिरिचुअल पीस कब मिली? व्हेन ही टॉक्ड अबाउट एजुकेशन, व्हेन ही टॉक्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो एक तरह से स्पिरिचुअल पीस इस मटेरियल पीस से ऐसे डिफर करती है। तो वो हैप्पीनेस को दो टाइप में डिवाइड करता है, एक इंटरनल हैप्पीनेस और एक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। तो प्लेटो मोर ओवर इन्हीं चीज़ों की बात करता है। प्लेटो से ज़्यादा एडवांस थ्योरी थी एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल की कहने का मतलब, बिकॉज एरिस्टोटल ने एथिक्स पे बहुत ज़्यादा लिखा है। ही गेव द गोल्डन मीन, ही गेव द फोर रूल थ्योरी। तो वो चार चीजें बताता है। सो वी विल सी कि मतलब सोक्रेटिस और प्लेटो वेर द पायनियर्स ऑफ, यू कैन से, एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स, बट एरिस्टोटल ने उसको अलग लेवल पे एडवांस बनाया। नाउ एरिस्टोटल ऑल्सो यूज टू से दैट गुड पीपल डू नॉट नीड लॉज एंड बैड पीपल ऑलवेज फाइंड अ वे थ्रू लॉ। बट द थिंग इज कि ही यूज टू से दैट फॉर, इफ यू टेक एन एग्जाम्पल, रेड लाइट्स ऑन रोड्स, यहां पे लिखता हूं, रेड लाइट्स जो होती हैं रोड्स पे, गाड़ियां यहां पे चल रही है, अगर सब वर्चुअसली काम करें, सब अपने अपनी टाइम से चलें, तो क्या रेड लाइट की यहां पे जरूरत है? यहां से दूसरी गाड़ी आ रही है, यहां से गाड़ी आ रही है, ये आदमी रुक गया और बोला आप पहले क्रॉस कर जाओ, वो क्रॉस कर गया, फिर ये चला जाएगा, तो रेड लाइट की जरूरत ही नहीं है। बट रेड लाइट अगर नहीं होगा तो केओस क्रिएट हो जाएगा। सो एरिस्टोटल लॉ को अलग तरीके से डिफाइन करता है। एरिस्टोटल विल टॉक अबाउट द कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। वो बताता है कि लॉ और एथिक्स के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या सटल कनेक्शन है, जो कि लॉ एथिक्स कैसे बनाए रखता है, और अगर लॉ नहीं हो तो कैसे सोसाइटी में केओस, इमोरैलिटी फैल जाएगी। एंड देन उसने अपनी फिलॉसफी दी इसी बेस पे, प्लेटो के ही फिलॉसफी के बेस पे उसने अपनी फिलॉसफी दी। ऑल दो हम अरिस्टोटल की फिलॉसफी भी देखेंगे कि एक्चुअली अरिस्टोटल ने क्या बोला था। जैसे प्लेटो ने यहाँ पे अपनी फिलॉसफी बताई थी ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, और हमने देखा था ट्रांसेंडेंटल और एम्पिरिकल वर्ल्ड की, तो उसने कैसे इस चीज़ को डिफाइन किया था और वो कैसे इस चीज़ को अपने एथिक्स में इम्प्लीमेंट करेगा, इनकलकेट करेगा। तो एरिस्टोटल की फिलॉसफी देखेंगे हम कल, और एरिस्टोटल की वर्च्यू एथिक्स देखेंगे। आज हमने देखा कि कैसे सोक्रेटिस और प्लेटो, सोक्रेटिस का मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, और प्लेटो के वर्च्यू एथिक्स क्या थे, उसने ह्यूमन कैरेक्टर को कैसे डिफाइन किया, उसने गुड कैरेक्टर को कैसे डिफाइन किया, उसके हिसाब से यूडाइमोनिया क्या होती है, उसके हिसाब से वर्च्यू क्या होता है, मेन एम क्या है एथिक्स के, वर्च्यू एथिक्स का, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ बिकमिंग वर्च्यूअस, दैट इज फेयरनेस एंड करेज, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट ह्यूमन कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है, कैसे ह्यूमन कैरेक्टर गुड कंडक्ट की ओर जा सकता है, हाउ गुड कंडक्ट्स एंड एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स आर नॉट इनसाइड द ह्यूमन नेचर बट आउटसाइड। And then we talked about his philosophy of transcendental and empirical world. Then we talked about कि कैसे law और ethics एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। And then we finally talked about कि उसके हिसाब से happiness क्या थी, material happiness क्या है और internal happiness क्या है। तो Plato यहीं पे sum up होता है, और Aristotle फिर उसको आगे लेके जाएगा अपनी philosophy में, eudaimonia, where he will talk about the four principles that are fairness, temperance, courage and wisdom. इन चार चीज़ों के बारे में बात करेगा। Then we will talk about the golden mean. तो ये चीज़ें हम कल देखेंगे।
और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्रयागराज सेंटर पर जुड़ सकते हैं ऑफलाइन। आपके लिए फाउंडेशन बैचेज 2025-26 की स्टार्ट करी जा रही है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पहले 100 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिल जाएगा। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।